अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क। How are these two situations similar? क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कुछ चीज़ों का बैग जो है हाथ में पकड़े हुए खड़ा है, स्टिल है, और वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जबकि एक कार है जो कि स्टेशनरी है, रेस्ट में है, और उसका इंजन जो है वो चल रहा है। तो वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो कैसे सिमिलर हो सकती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क जो है उसका फार्मूला है एफ डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दो केसेस में हम अगर हम गौर करें तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों सिचुएशंस में कार भी और जो आदमी है वो दोनों रेस्ट में हैं। वो अलहदा से बात है कि आदमी जो है वो बातें कर रहा है, कार का जो इंजन है वो चल रहा है, लेकिन दोनों जो हैं वो एट रेस्ट हैं। अगर एट रेस्ट हैं तो इन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इट मीन्स के नो वर्क विल बी डन, बिकॉज वर्क इज़ एफ डॉट डी एंड एफ डॉट ज़ीरो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर इन दिस केस बिकॉज नो वर्क इज़ डन इन बोथ द केसेस। दोनों सूरतों में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए ये दोनों सूरतें वर्क के लिहाज से एक जैसी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जोल्स इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। एक मैस है 10 किलोग्राम की, उसे हम 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हैं। इस इन लिफ्टिंग द बॉडी अप टू द हाइट ऑफ 10 मीटर हाउ मच वर्क वी हैव टू बी डन, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो बॉडी की जो मैस है हमारे पास वो 10 किलोग्राम है, वर्टिकल हाइट वो 10 मीटर है। अब जैसा कि हम बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो देयर विल बी द एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्रेविटी एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, और वक्त पर हमें मालूम करना है। तो हमें पता है कि अगर हम एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से या ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो उसमें जो किया गया काम होता है वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होता है। तो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैस। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है एम जी एच। एम हमें मालूम है वो 10 किलोग्राम है, हाइट हमारे पास जी हमारे पास 9.8 है, जबकि हाइट 10 मीटर्स है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 980 जॉल्स। लेकिन क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो वर्क है उसे हमने मालूम करना है किलो जॉल्स में, तो 980 को हम 1000 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 0.98 किलो जोल्स। क्योंकि जोल्स को अगर हम किलो में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 0.98 किलो जोल्स। ओके जी, किलो जोल्स 980 ओवर 1000, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.98 किलो जोल्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 4 इज इन विच वर्क केस इज मोर वर्क डन, इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन अ 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर और व्हेन अ 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। इसमें दो सूरत हाल हमें दी गई हैं। एक कंडीशन में हमारे पास एक 50 किलोग्राम का बैग है जिसे 50 सेंटीमीटर की हाइट तक लिफ्ट किया गया है, इस सूरत में भी हमें काम करना पड़ेगा, और ये किया गया काम
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और दूसरी सिचुएशन में एक 50 किलोग्राम का क्रेट है जिसको 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर फर्श पर 2 मीटर के फासले तक मूव करवाया गया है बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। द क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि किस सिचुएशन में ज़्यादा काम जो है वो किया गया है। सो फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे पास मास कितनी है जी, मास हमारे पास है 50 किलोग्राम, हाइट है 50 सेंटीमीटर जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 पे डिवाइड करके, एंड द हाइट विल बी 0.5 मीटर्स, द फोर्स इज 50 न्यूटन। सो इन दिस केस द वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एम जी एच। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट, वी हैव वर्क 245 जूल। दिस इज द केस, दिस इज द वर्क डन इन फर्स्ट केस। इन सेकेंड केस वी नो दैट मास इज 50 किलोग्राम, डिस्टेंस कवर्ड इज 2 मीटर एंड द फोर्स इज 50 न्यूटन। ऑल्सो वी नो दैट वर्क इज एफ डॉट डी बिकॉज थीटा इज जीरो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, सो दिस विल बी एफ डी। एफ इज 50 न्यूटन्स एंड डी इज 2 मीटर, द वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल। सो इन फर्स्ट केस फॉर विच द वर्क डन इज 245 जूल, द वर्क मोर वर्क इज डन इन दिस केस। सो इन फर्स्ट केस मोर वर्क इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.5। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। बॉडी है हमारे पास जिसके पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इट मीन इसका मतलब क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन इट और व्हाट डज इट मीन। सो द आंसर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट द वर्क डन स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑफ 1 जूल। मीन्स अगर एक बॉडी के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बॉडी 1 जूल काम करने की सलाहियत रखता है। ओके, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक बॉडी है जिसको हम सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट एज पे लेके जा रहे हैं और उसमें उसको लिफ्ट करने में हमें 1 जूल काम करना पड़ा है, और उस बॉडी को जब हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो जो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें जो स्टोर हुई होगी, एक्चुअली वो 1 जूल वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकती है। सो इफ अ बॉडी हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इट कैन डू, इट कैन परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड बाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन थ्रू हाइट ऑफ 1 मीटर। एक बॉडी हमारे पास है जिसको हम 1 न्यूटन की फोर्स से 1 मीटर हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं, डेफिनेट बात है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जूल होगी, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम जी हमारे पास कितना है यहाँ पे, वो 1 है वेट, जबकि एच कितनी है वो भी 1 है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज द कैपेसिटी टू डू 1 जूल वर्क। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउन गिराएंगे तो दैट बॉडी कैन परफॉर्म 1 जूल वर्क। सो इफ अ बॉडी हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स इट कैन परफॉर्म 1 जूल वर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। When a rocket re-enters the atmosphere, its nose cone becomes very hot. Where does this heat energy comes from? जब एक रॉकेट जो है वो re-enter होता है एटमोसफेयर में, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फॉल करता है, तो उसकी जो नोज़ है उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो ये जो हीट एनर्जी है ये कहाँ से आती है, क्वेश्चन इज दैट। सो द आंसर इज There is a large number of dust particles and water vapors present in the air. अब एयर में ढेरों जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। When a rocket re-enters the atmosphere, it has to face resistance due to particles. जब ये रॉकेट re-enter होता है एटमोसफेयर में तो there is a resistance by the water vapors and dust particles. So some kinetic energy of rocket is converted into heat energy due to the friction. जब ये रेजिस्टेंस की वजह से उनके साथ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कुछ जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट की वजह से, और इस हीट की वजह से जो नोज़ है वो हमारे पास हॉट हो जाती है। देयरफॉर कौन नोज ऑफ द रॉकेट बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफेयर। मीन्स कि जब रॉकेट री एंटर होता है तो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की वजह से
जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से और फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है रॉकेट का वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, एंड दिस हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉटनेस ऑफ द कोन नोज ऑफ द रॉकेट। नेक्स्ट इज द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लिम कोर्स शॉर्ट कोर्स। अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इन टू पीसेज, वट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। एक लड़की है उसके हाथ से कप गिरता है और कप गिरकर जो है वो टूट जाता है, तो इस दौरान कौन सी जो एनर्जी चेंजेस हैं वो इन्वॉल्व हैं या जो है मतलब इन्वॉल्व हैं। सो द आंसर इज व्हेन अ कप इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट। अब कप किसी सर्टेन हाइट से गिराया गया, इसका मतलब अगर वो सर्टेन हाइट है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। ओके, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो कप नीचे गिरेगा इट मीन्स के वो अब मूव कर रहा है। अगर वो मूव कर रहा है कप किसी हाइट से, अगर कोई कप हाइट पे है, हाइट का मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। अब जब वो कप गिरेगा इट मीन्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है, लेकिन वो किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो बॉडी मूव कर रहा है। व्हेन द कप कोलाइड विद द फ्लोर, अब जब कप जो फर्श के साथ टकराता है इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, ये पीसेस में टूट जाता है एंड मेक्स नॉइज, आवाज़ भी पैदा होती है। सो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कप into pieces and some of kinetic energy is converted into sound energy which produces the noise and heat energy. So when a cup is dropped from the girl's hand at certain height, the potential gravitational potential energy is converted into kinetic energy and then some of the kinetic energy is used to break the cup and some of the kinetic energy is converted into the sound energy which eventually produces the noise and heat energy. So these were the short questions in our short course of chapter number 4. If you have any query, any problem with these answers or these questions, you may ask. Thank you very much.